शहरियों और ताजिरों के बाद फनकारों को भी धमकी आमेज फोन आने लगे हैं। फिल्म स्टार बाबर अली को जान से मारने की धमकी मौसूल हुई। थाना डिफेंस सी में मुकदमा दर्ज होने के बावजूद नामालूम अफराद पुलिस की पहुंच से दूर हैं। अदाकार संगीन धमकियों के बायस मुल्क छोड़कर अमरीका चले गए। तफसीलात जानते हैं मरवान सर चौधरी से। मरवान सर चौधरी, एक फनकार को ऐसी धमकियां, क्या मामला है ये? बिल्कुल, फिल्म और टीवी के मारूफ अदाकार बाबर अली को नामालूम अफराद की जानिब से धमकी आमेज जो है वो फोन कॉल्स मौसूल हुई। उन्होंने इस बात का जो है वो नोटिस लिया और पुलिस में जो है FIR भी दर्ज करवाई, थाना डिफेंस में मुकदमा दर्ज कराया। पुलिस अभी तक कोई सुराग नहीं लगा सकी। बाबर अली संगीन नतायज की जो धमकियां हैं और ताकुब के बाद उनकी गाड़ी का ताकुब किया जाता था, तो उसके बाइस जो है वो मुल्क छोड़ने पर मजबूर हो गए हैं। वो दोहा से जो है वो अमरीका चले गए हैं। उनका ये कहना है कि ये सिलसिला जो है वो बंद होना चाहिए। उन्होंने एक हसास मौजू पर एक ड्रामा बनाया, उसमें काम किया, उसके बाद उनका ये कहना है कि मुझे जो है इस हसास मौजू की वजह से जो है वो धमकियां दी जा रही हैं, और जब तक फनकार महफूज नहीं अपने मुल्क में, मैं तब तक नहीं आऊंगा जब तक गवर्नमेंट जो है वो कोई एक्शन नहीं लेती और पुलिस जो है वो इन मुल्जमान का सुराग नहीं लगाते। बहुत शुक्रिया आपका मरवान सर।